हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, पीएम कन्फर्म्स इंडियाज बिड टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स। तो बोला है इन्होंने कि 2036 का ओलंपिक्स हम लोग यहाँ पे होस्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे आर्टिकुलेटेड इंडियाज एस्पिरेशन टू होस्ट द 2036 समर ओलंपिक्स एंड बिकम द फोर्थ एशियन कंट्री टू होस्ट द गेम्स। ही सेड दैट द कंट्री is enthusiastic about the organization of Olympics and is fully committed to making this dream a reality. India eagerly anticipates hosting the Olympics and the country will leave no stone unturned in our effort to organize the 2036 Olympic Games. It's a dream and aspiration of the 140 crore Indians, he said ahead of the 141st session of the International Olympics Committee. Here, the International Olympics Committee mein inhone ye cheez boli hai. However, he did not mention which city would host the game. Mr. Modi also conveyed the country's willingness to host 2029 Youth Olympics and expressed confidence in receiving constant support from the IOC. IOC kya hai aapka? International Olympics Committee. The Prime Minister underlined the significance of the IOC session taking place in the country after 40 years and also informed the audience about the India's victory against Pakistan in the World Cup in Ahmedabad on Saturday. I congratulate Team Bharat and every Indian on this historic victory, he said. यहाँ पे इन्होंने Team India, Team Bharat को congratulation भी भेजा है। Part of Indian culture क्या है? Stating that sports have been an important aspect of Indian culture and lifestyle. Mr. Modi said, when you go to villages in India, one can find that any festival remain incomplete without sport. Indians are not just a sports lover, but वी ऑल्सो लिव इट। तो भाई हम सिर्फ प्यार नहीं करते, हम उसको जीते हैं। डेवलपमेंट, मिस्टर मोदी ऑल्सो लिस्टेड रिसेंट मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इन इंडिया, मेंशनिंग इवेंट्स लाइक खेलो इंडिया गेम्स, खेलो यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स एंड द अपकमिंग खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ही ऑल्सो सेड दैट द स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट winning medals but is a medium to win hearts and it belongs to all for all. It not only prepares champions but also promotes peace, progress and wellness. Therefore sports is another medium of uniting the world. तो इन्होंने ये चीज बोल दी कि वर्ल्ड को एक साथ जोड़ के रखने की ताकत स्पोर्ट्स में है। मिस्टर मोदी डिक्लेयर द सेशन ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ IOC प्रेसिडेंट थॉमस बैक एंड मेंबर नीता मुकेश अंबानी। ओके, ये भी थी वहाँ पर। तो भाई रिलायंस का शेयर खरीद लो, आप इनके पार्टनर बन जाओगे। तो यही है और क्या है, इतने अमीर लोगों के साथ ही तो रहना चाहिए। तो सबसे पहले ओलंपिक्स गेम, ठीक है, इन्होंने किसका बिड डाला है? 2036, हर 4 साल में होता है एक बार, ठीक है, हर 4 साल में एक बार होता है। 2036 का बोला है कहाँ पे करेंगे? इंडिया में करेंगे, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने 2029 का? क्या चीज़? यूथ ओलंपिक्स। ये कौन सा है? समर ओलंपिक्स की बात हो रही है जो यहाँ पे करेंगे। यूथ ओलंपिक्स भी बोला है इंडिया में करेंगे, ठीक है, ये एक चीज़ होगी। दूसरा आप देखिए, यहाँ पे कुछ इन्होंने चीज़ें लिखवाई हैं जो बताई है कि इंडिया की इनिशिएटिव क्या है। देखिए, खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है। सेकंड क्या है आप देखिए, ये खेलो इंडिया गेम्स हो गया, इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, ये हो गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, ये हो गया। और अपकमिंग मतलब जो अभी आने वाला है, क्या है आपका? खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है जो बोल रही है इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए करता है। इन्होंने साफ बताया कि वी डोंट प्ले स्पोर्ट्स बट वी लिव स्पोर्ट, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे इंडियन टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। IOC हमें ध्यान रखना है, क्या है IOC? आप देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी यहाँ पर हो जाती है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, और ये समर ओलंपिक्स और ये यूथ ओलंपिक्स, ये दो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे हमने इनके देख लिए, इंडियन गवर्नमेंट के जो प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स को जो वो लोग के स्कीम्स हैं
और पॉलिसीज हैं, ठीक है। और इन्होंने बताया हम सिर्फ चैंपियन नहीं लाते और प्रमोट पीस करता है, प्रोग्रेस करता है, वेलनेस करता है। तो ये जो हमारा है वन वर्ल्ड वन नेशन, ये वन फैमिली, उसको हम लोग स्पोर्ट्स से भी प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है, ये आपके बैठे हैं 141st IOC सेशन में, मुंबई में जो हुआ है आपके, ये नरेंद्र मोदी बैठे हैं और ये थॉमस बैक बैठे हैं। ये क्या है, IOC के प्रेसिडेंट है, और ये क्या है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, इनको कौन नहीं जानता। तो बस इतना ही था इस आर्टिकल में हमारे लिए जानने के लिए। थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।